स्टोन है जहाँ फिर ना वहाँ गारा बाइल इकट्ठा हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और हम लोगों का तो क्या ही बताऊं, बस ऐसे ही। और सुबह ही सुबह आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि और मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रही थी। और मम्मी की जो है हो रही है दो दिन से बहुत तबीयत खराब, बहुत पेट में दर्द भी है, उल्टी भी हो रही है। तो उनको लेके आज जाना है हॉस्पिटल। तो देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। तो जल्दी से हो जाते हैं हम लोग तैयार। तो गाइस हम लोग जो है हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, और अंशु को जो है स्कूल छोड़ दिया हमने। तो अंशु के पापा, मैं और ये मेरे पीछे मम्मी बैठी हुई है। तो अभी जो है डॉक्टर साहब गए हैं ग्राउंड पे, तो देखते हैं किस टाइम आते हैं। तो हम लोग इधर वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है आ गए हैं, और अंशु के पापा भी रिपोर्ट लेके अंदर गए हैं, और मैं भी जाऊँगी। कहाँ पे दर्द रहता है आपको? यहाँ पे दर्द रहता है, कभी कभी होता है फिर। हाँ, मतलब कभी उल्टी हो जाती है तो ठीक हो जाता है। कल से तो फिर दवाई वगैरह, वजन कम हुआ हो या कुछ ऐसा, भूख कम हुई हो? भूख तो लगती है। नीचे देखो, स्टोन है जहाँ फिर ना वहाँ गारा बाइल इकट्ठा हो गया। हाँ हाँ हाँ, फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, एक सीरीज के लिए ठीक होगा। आप लिख दीजिए सर, अभी कर। खाली पेटी होता है ना? नहीं, सीटी स्कैन पूछा। तो गाइस हम लोग जो है डॉक्टर साहब से मिल लिए हैं, और उन्होंने जो है कुछ टेस्ट वगैरह बोले हैं। तो अभी जो है मम्मी का होगा सीटी स्कैन, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं सीटी स्कैन के लिए। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, और मम्मी का जितना भी टेस्ट था सारा टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। तो कुछ टेस्ट जो है उनके नॉर्मल है, और थोड़ी परेशानी की बात है। तो परेशानी की बात ये है कि मम्मी के जो है पित्त के थैली में जो है स्टोन निकला है, और उसी के साथ ही साथ उनको जॉन्डिस भी निकला है, पीलिया। तो डॉक्टर ने जो है ऑपरेशन के लिए बोला है, पर जब तक मम्मी का पीलिया या जो भी लीवर वगैरह में भी इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो सब चीज़ें पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। तो मतलब कि काफ़ी बड़ी बात है कि हाँ, मैंने सोचा बस नॉर्मल में ही है या कुछ भी, तो थोड़ी बड़ी बात भी है। तो अभी जो है सब लोग कर रहे हैं रेस्ट, और आज जो है आप लोगों ने देखा ये बहुत थकान भी हो गई है, कभी इधर से उधर इधर से उधर, बस अब ठीक हो जाए। तो गाइस काफ़ी बड़ी बात हो गई है कि हमने सोचा नहीं था कि बस गैस वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होगा, पर पता नहीं कैसे क्या हो गया है। तो जो भी हुआ है, चलो अब क्या ही कर सकते हैं। तो रिलेटिव में जितने भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह है, मैंने सबको जो है फ़ोन ऑन कर दिया है। तो देखते हैं मम्मी को देखने के लिए कौन कौन आता है। तो गाइस वीडियो में बने रहना। तो गाइस देखिए, ये भैया और भाभी आए हुए हैं, और वो रही पीछे मम्मी, वो खाना खा रही है। और देखते हैं अभी कौन कौन और आता है। तो गाइस ये देखो, वर्षा, उसकी मम्मी, उसकी मौसी, सब लोग आए हैं। और वर्षा की मम्मी आते ही देखो काम पे लग गई। वर्षा हाय करो। तुम क्या करने आई हो? नानी को देखने? बोलो क्या करने आई है? है? देखती कारे नानी ताई। हाँ तो गाइस अभी जो है सब लोग लेट गए हैं, और सभी लोग जो है अभी जो है हम लोग मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, कि मच्छरों का कहर बहुत बढ़ गया है, और डेंगू भी फिर से चल गया। तबीयत सही लग रही है अब? मम्मा। हाँ बेटा, क्या हुआ?
जीभ में दाना हो गया। ठीक हो जाएगा, सो जा, सुबह स्कूल जाएगा ना, स्कूल जाके सब ठीक हो जाएगा, है ना, है ना। तो गाइस आप लोगों ने देखा ये मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है पहले से, और गाइस आप लोग दुआ करना बस जल्दी से ठीक हो जाए, और वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय एंड टेक केयर।